नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। राज्य सरकार दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देने की तैयारी कर रही है, यानी अकुशल दैनिक वेतनभोगी को 10,074 और उच्च कुशल दैनिक वेतनभोगी को 11,607 रुपए वेतन मिलेगा। वित्त विभाग इस प्रस्ताव का परीक्षण कर रहा है। इस निर्णय का लाभ प्रदेश के 55,000 दैनिक वेतनभोगियों को मिलेगा। हालांकि इससे सरकार पर लगभग 58 करोड़ रुपए वार्षिक अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। सुप्रीम कोर्ट के दबाव में राज्य सरकार दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वेतन देने को तैयार तो हो गई है, लेकिन उन्हें न्यूनतम वेतन ही मिलेगा। मध्य प्रदेश के एक आईएएस को सोशल मीडिया पर नेहरू गांधी फैमिली की तारीफ करना और उनके अचीवमेंट्स का बखान करना महंगा पड़ गया। राज्य सरकार ने गुरुवार देर रात अजय गंगवार को बड़वानी कलेक्टर पद से हटाकर मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी बना दिया। आपको बता दें कि गंगवार कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते हैं। मध्य प्रदेश के उम्रदराज होम मिनिस्टर बाबूलाल गौर के एक बयान पर फिर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। मोदी को ब्रह्मचारी बताते हुए गौर ने कहा कि देश सेवा के लिए उन्होंने अपनी पत्नी तक को छोड़ दिया, उनके बाल बच्चे भी नहीं है। देश सेवा के लिए उन्होंने पत्नी तक को छोड़ दिया, वे बहुत समझदार, योगी और तपस्वी व्यक्ति है। गौर के इस बयान पर एक ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन ने आपत्ति जाहिर की है। उनके मुताबिक ये महिलाओं का अपमान है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कहा कि संविधान के अनुरूप अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों को आरक्षण की सुविधा मुहैया कराना उनकी सरकार का लक्ष्य है। चौहान ने घोड़ा डोंगरी विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी मंगल सिंह दुर्वे के पक्ष में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने डाबरी गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, सरकार का प्रयास है कि आरक्षण के मामले में कोई छेड़छाड़ नहीं करने दी जाए। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 31 मई को ग्रामोदय से भारत उदय अभियान की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। सुबह 10 बजे से मंत्रालय के कक्ष क्रमांक 68 और 117 में ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। कक्ष क्रमांक 68 में सभी मंत्री, राज्य मंत्री और कक्ष क्रमांक 117 में अधिकारी मौजूद रहेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संयुक्त रूप से अपने जिले में अभियान से संबंधित विशेष कार्रवाई, उपलब्धि और मुख्य मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत करवाएंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। EMS TV की सारी खबरें हमारी वेबसाइट के साथ साथ हमारे एप्स पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। पूरे मध्य प्रदेश की लड़कियों को हमारी सरकार पढ़ाएगी। लड़की पढ़े, समाज बढ़े। आओ बनाए अपना मध्य प्रदेश। 5-10 नहीं, सिर्फ 100% बेटर को कहते हैं बेस्ट। नया डेटॉल गोल्ड, इसका एडवांस्ड फॉर्मूला आम एंटीबैक्टीरियल साबुन के मुकाबले में दे 100% बेटर प्रोटेक्शन, यानी बेस्ट प्रोटेक्शन। मैं मानू सिर्फ डेटॉल का धुला।